नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, बोलिए क्या सवाल। क्या सोचने वहाँ? देखिए मैं अपने जीवन का पूरा प्रोग्राम दे रहा हूँ। हमारा तो प्रोग्राम था कि मैं अपनी बेटी को विंबलडन जिताऊँ, लेकिन उसके लिए मैंने यहाँ एकलव्य टेनिस आश्रम खोला। समझ रहे क्या क्या खोला? एकलव्य टेनिस आश्रम। बोलो बोलो। एकलव्य टेनिस आश्रम खेला तो जो खोला वो रहेगा। ये टेनिस कोर्ट यहाँ जरूर रहेगा, परमानेंट रहेगा, इसको हिलना नहीं है। और जब टेनिस कोर्ट है तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसीलिए यहाँ क्रिकेट का भी ग्राउंड आएगा, जिम भी आएगा, और फिटनेस का मास्टर खुद हूँ मैं। इसीलिए हमारे माता बहनें जो भी हमारे भाई हैं अड़ोस पड़ोस के, वो चाहेंगे कि फिटनेस पर ध्यान दें, तो उनको फिटनेस का सेंटर रहेगा। क्या रहेगा वो फिटनेस सेंटर? एक तो ये रहेगा प्रोजेक्ट। क्या रहेगा? फिटनेस। क्या रहेगा? फिटनेस। फिटनेस सेंटर ये तो रहेगा रहे। इसके बाद इससे मेरा पूरा ज़मीन का यूज़ नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए क्या करूँगा, हमारे भाई बहन जितने भी हमारे तेलंगाना राज्य के लोग हैं, जो हमारे आजू बाजू हैं करीब में, उनके लिए मैं उनके दिन मर्जा की जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनको व्यवहार में लाने की चीज़ है, उसका मैं यहाँ लगा दूंगा मॉल। क्या लगा दूंगा? मॉल लगा दूंगा। और ये मॉल गरीब मॉल होगा। क्या होगा? गरीब मॉल। मीन्स हमारे गांव के भाई बहन भी जो आएंगे जिनके पास पैसे उतने नहीं हैं, तो कम से कम मैं उनकी सेवा करने की मैं शक्ति पैदा करूँगा। समझ रहे हो क्या? और अगर ज़्यादा हुआ तो मैं उस बिजनेस में नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और रिटर्न कम हो। जैसे मैं जानते हो कि एडवेंचर राइडर हूँ, मैं चाहूँगा तो जितने भी SUV हो, बड़े बड़े गाड़ियाँ चलाता हूँ मैं, बड़े बड़े बाइक चलाता हूँ मैं, उस सब का दुकान लगाऊँ, कोई खरीदेंगे नहीं, उस धंधा में जाना ही नहीं। हमको वो काम करना है जिसे दूध पीना है तो दूध कर लो, चाय पीना है तो चाय का थोड़ा दुकान लगा देंगे, क्या समझे? लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे जिसमें लेबर ज़्यादा हो। ऑटोमेटिक चाय रहेगा यहाँ, क्या बटन दबाओ, पैसा लगाओ, ATM जैसे आप चाय पी लो, है सारा ऑटोमेटिक ऐसा लगाऊंगा मैं यहाँ। समझ रहे हो क्या? तो आपने प्लान पूछा, मैं कुछ बेसिक बुनियाद दे दिया। और इस कैंपस में एकलव्य टेनिस आश्रम नाम रहेगा, मिसलेनियस हो जाएगा ये। इस कैंपस में क्या होगा शोभा, सुनो, पानी बिजली हर चीज़ की सुविधा प्राप्त करना है, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद।